नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मेरे हाथ में है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो बिना कोई वैकेंसी आए ही आपके लिए हजारों की संख्या में वैकेंसी आज आ गई है। यूं मानिए कि इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। अब इस भर्ती में थोड़ा सा प्रोसेस अलग है और इसकी मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ कि क्या तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है, क्या इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है, क्या इसका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा और कहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी, किस किस प्रकार की पोस्ट यहाँ आपके लिए है। तो पूरा डिटेल एक बार आपको बता देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी गर्मी में मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है तो मैं यहाँ आ गया। तो बात कर लेते हैं कि सरकार ने टीचर्स की नियुक्ति के लिए एक नया फार्मूला बनाया है और ये जो नियुक्ति होनी है ये स्कूल लेवल पर ही होगी, यानी कि इसके लिए कोई एग्जाम ऐसा नहीं होने वाला जो स्टेट लेवल पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो। ये सारी की सारी भर्ती स्कूल लेवल पर की जाएगी। भर्ती है यहाँ सबसे पहली लेक्चरर की, यानी कि व्याख्याता की। फिर है आपके सेकंड ग्रेड की, इससे आप समझ गए होंगे कि मामला राजस्थान का है। तीसरी है आपके थर्ड ग्रेड की, यानी कि लेवल वन और लेवल टू वाले टीचर्स की, जिन्होंने रीट क्लियर कर रखा है उनके लिए। चौथी है पीटीआई की और पांचवी है प्रयोगशाला सहायक की। अब इनको जो सैलरी है वो क्या मिलने वाली है, जो लेक्चरर है उसको मिलेंगे 30,000 रुपये पर मंथ, सेकेंड ग्रेड है उनको मिलेंगे 25,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 300 से 400 रुपये प्रति घंटा। बाकी जो लेवल वन और लेवल टू के लिए जो टीचर्स हैं, पीटीआई है, प्रयोगशाला सहायक है, इन सबको मिलेंगे 21,000 रुपये पर मंथ। इनकी योग्यता बता दूं आपको, अगर आपको लेक्चरर बनना है तो बीएड किया हुआ होना जरूरी है, साथ ही साथ जिस सब्जेक्ट में आपको लेक्चरर बनना है, जिसका फॉर्म आपको भरना है, उसमें पीजी होना जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद बताएंगे सेकेंड ग्रेड की, तो सेकेंड ग्रेड में आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, साथ साथ आपको बीएड होना जरूरी है। अब लेवल टू और लेवल वन की बात करें तो लेवल टू के लिए बीएड और आपका बीएड में 50% प्लस रीट लेवल टू क्लियर होना चाहिए। सर्टिफिकेट जिसका वैलिड होगा वही इसमें फॉर्म भर पाएगा, वरना नहीं फॉर्म भर पाएगा। तो रीट आपका लेटेस्ट हो, जिसकी वैलिडिटी अभी तक होनी चाहिए। इसी प्रकार लेवल वन में डीएलएड होना चाहिए, अगर डीएलएड से ऊपर योग्यता है तो आप वैलिड है। और इसमें ट्वेल्थ में आपके, यानी कि डीएलएड और ट्वेल्थ में मिलाकर के आपके 50% होने चाहिए, साथ रीट लेवल वन भी क्लियर होना चाहिए। पीटीआई में आपने सीपीएड किया हुआ है, डीपीएड किया हुआ है, बीपीएड किया हुआ है और साथ में 12वीं पास की है तो आप योग्य हैं। प्रयोगशाला सहायक में आपको 21,000 रुपये मिलेंगे, 12th पास होना चाहिए, साथ साथ प्रयोगशाला सहायक संबंधी कोई भी कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो ये जो भर्ती है ये संविदा पर की जा रही है। और अभी तक नियम क्या था कि स्कूलों में जो विद्या संबल योजना थी, इसके तहत जो गेस्ट फैकल्टी टीचर्स लग रहे थे वो रिटायर्ड टीचर्स को लिया जा रहा था, लेकिन रिटायर्ड टीचर्स केवल उसी पोस्ट पर लग पाएंगे जिस पोस्ट से वो रिटायर्ड हुए थे। इसके अलावा काफी सारी पोस्ट हैं और रिटायर्ड टीचर के लिए 65 साल एज लिमिट है, बाकी किसी के लिए नहीं है, ठीक है। और बाकी जो टीचर्स हैं उनके लिए योग्यता मानी जाएगी। जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनको रीट नहीं मांगी गई, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनको रीट मांगी गई है। बीएड है, पीजी है, संबंधित योग्यता जो मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी, इस संबंध में आज ही नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, तो वो भी आपको धीरे धीरे सुबह या दोपहर तक या शाम तक न्यूज़पेपर्स में दिख जाएगा या जैसे मिल जाएगा, नहीं तो मैंने जो आपको डिटेल्स बताई है वो क्लियर है। और बाकी एक बार थोड़ा सा मीडिया भी आप देखते रहिए, क्योंकि वहाँ भी आपको मिल जाएगा। आवेदन के लिए मैंने बताया कि ये स्कूल लेवल पर भर्ती होनी है, तो जैसे ही न्यूज़पेपर्स पर नंगा रखिए, इस चैनल से भी, कॉम्पिटिशन बॉस यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़े रहिए, मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा पूरा कि किस प्रकार से ये भर्ती हो रही है, कहाँ आपको आवेदन करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, आगे इसी बारे में न्यू अपडेट के साथ बहुत ही जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।